बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से 71 आदिवासियों की मौत के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ट्वीट के माध्यम से इस पर पलटवार करते हुए इस बयान को सफेद झूठ करार दिया है। बघेल ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि वे कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके साथ ही इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी अपना बयान जारी किया था, जिस पर भाजपा की मौत के आंकड़े पेश करने के बाद कांग्रेस ने फिर एक बार जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया, आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मौत हुई थी, जबकि ऐसी कोई दुर्घटना घटना नहीं हुई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से ऐसा क्यों कहा, किसने उन्हें यह जानकारी दी, इस गलत जानकारी का उल्लेख उन्होंने क्यों किया, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए अनिष्ट की कामना क्यों की, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों की मौतें होती थी, यही नहीं हमारे नेताओं की शहादत हुई थी।